हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं स्नो रनर। और पिछली बार भाई अपना मिशन लिया था मैंने एक बहुत बड़ा सा ड्रिल डिसअसेंबली का। तो एक ऑयल रिग साल्वेज सेमी ड्रिलर खड़ा हुआ है भाई बहुत दूर, तो उसको लेके आना है एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर छोड़ना है माल एयरपोर्ट पर और भाई लेके आना है यहाँ से सर्विस हब से। तो ये बड़ी सी मशीन होती है, ये मैंने पहले भी छोड़ी है दो तीन बार। तो आज मैंने लगाया भाई ट्रक, आज मैं लेके आया हूँ पैसिफिक P16 ओरिजिनल ट्रक, और इसके साथ लॉन्ग डायरी हॉर्न भी है, ये भी ओरिजिनल है। तो इसके पीछे भाई मैंने लगा लिया है हाई सैडल, क्योंकि इसके लिए चाहिए बड़ी वाली हिच। और ये इसके अंदर भाई ना तो कोई टायर है जिसके अंदर चेन हो, और ये इसके टायर भी भाई प्लेन है। और इस ट्रक के अंदर पैसिफिक P16 में भाई ना तो AWD होता है और ना कुछ, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, पीछे हिच लगती है बड़ी वाली, या फिर इसके अंदर पीछे भाई लॉग ट्रेलर लगता है। तो लकड़ी छोड़ सकते हैं इससे या फिर बड़ा बड़ा सामान, लेकिन इसमें AWD नहीं है। फिर भी यार इसके इंजन में बहुत ताकत होती है भाई, बड़ा बड़ा सामान ये, मतलब बहुत हैवी माल भी ये खींच के आराम से ले जाता है। तो इस मिशन को करने के लिए अब देखते हैं ये कितना कामयाब होगा इसके लिए भाई, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ है और इसके टायर जो है वो प्लेन है, यानी कि इसके ऊपर चेन नहीं लगी हुई। तो वैसे तो बर्फ़ के अंदर चेन वाले टायर चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें भाई नॉर्मल टायर। ये है भाई अपना ओरिजिनल पैसिफिक P16। तो कई भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लेके आओ इस ट्रक को, तो मैं लाया हूँ इसको आज। और इसके बाद और भी कई मिशन हैं, और लॉग वाले मिशन भी शुरू हो चुके हैं। कई लॉग कई कंपनी हैं जो उनको लॉग पहुँचानी है, तो वो करेंगे बाद में। तो पिछली बार जब मैंने इस मैप को डिस्कवर किया था अपनी स्काउट कार से, तो दो लॉग स्टेशन मेरे को यहाँ से मिले हैं। तो वहाँ पे मिलते हैं भाई वुडन प्लैंक और लॉग। तो देखेंगे जहाँ जहाँ पर लॉग पहुँचानी होगी तो वहाँ वहाँ पर जाना पड़ेगा। और अभी भाई इसका एक मैप और बाकी है पेड्रो बे, वहाँ पर अभी हम गए नहीं हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ से फुर्सत नहीं मिल रही। यहाँ पर बहुत सारे मिशन हैं यार, तो जब तक इनके मिशन पूरे नहीं होंगे तब तक अब नए मैप में जाने का फ़ायदा नहीं है। तो पहले ज़रा मैं इनको कर लूं। और पिछली बार भाई दो गाड़ियां फंस गई थी, मैंने छोड़ी थी एक नीचे यहाँ पहाड़ी, ये इस पुल के नीचे से गाड़ी लेके गया था मैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो। और इसके अलावा और भी जो मिशन है अभी वो देखते हैं फिर बाद में, इसके बाद पहले ज़रा इसको छोड़ दूँ। तो भाई पहुँच ही गए उसके पास, लो आ गया सर्विस हब, और देखते हैं इस मशीन को। ये है भाई रास्ता इसका, चल बैठता हूँ। इसकी भाई कटिंग बहुत ही कम होती है, देखो काटो इधर से जाता किधर को यार भाई, बर्फ़ क्यों चल अंदर चल रहा है अबे यार, बर्फ़ पे क्यों जा रहा है भाई तू। ओके लो भाई, तो ये है ऑयल रिग साल्वेज सेमी ट्रेलर। तो ये मेरे ख्याल ड्रिलिंग साइट पे जाके भाई कुछ काम करता है, जैसे फायर ब्रिगेड की सीढ़ी होती है लंबी सी, ऐसी भाई इसके ऊपर एक सीढ़ी सी लगी हुई है देखो। तो ये भाई बहुत लंबा ट्रेलर है, कम से कम 80-90 फुट का तो होगा। और इसके अंदर भाई टायर देखो तो 20 टायर लगे हुए हैं, तो काफ़ी हैवी है। तो देखते हैं ये खींच लेगा इसको कि नहीं। पैसिफिक तो भाई तगड़ा ट्रक है वैसे तो, और मैंने इसके अंदर इंजन वगैरह बढ़िया सा लगा लिया है जो टॉप का था। और यार मेरे गले में मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई आज, पता नहीं क्या सुबह सुबह। ओके ओके ओके, तो भाई इसको लगाएंगे इसके नीचे थोड़ा आगे करके, चल चल आगे कर बस। तो अब इसको करते हैं अटैच, ये हो गया अटैच। और ये देखो भाई, ये ट्रक और ये ट्रेलर मिला के भाई दोनों 100 फुट से ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। देखो भाई बहुत ही बड़ा है, ये बहुत बड़ी मशीन है। चलो तो इसको पहुंचाना है भाई एयरपोर्ट पे, शायद इसको जहाज़ में लोड करने के बाद ये कहीं पर लेके जाएंगे, अब पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। तो हमें तो सिर्फ माल पहुंचाना है यार, तो वो जहाज़ जो खड़ा हुआ शायद वो हमें चलाने को मिले। अब देखते हैं जहाज़ हम उड़ा सकते हैं इसके अंदर के नहीं, मेरे ख्याल तो जहाज़ नहीं मिलेगा। एक मिनट भाई, इसको निकालना भी तो मुश्किल है यार, पेड़ भी है चारों तरफ देखो, और ये पेड़ में फंस गया तो दिक्कत होगी। आजा 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 आजा, निकल तो गया यार। तो इसको बहुत ध्यान से लेके जाना पड़ेगा, डैमेज वैमेज नहीं मारनी यार, नहीं तो हमारा नुकसान होगा, कंपनी वाले पैसे कम देंगे। और भाई ये पुल आ चुका है, इस पुल से देखें निकल जाएगी ये, निकल तो जाएगी। तो इस पुल को मैंने रिपेयर किया था, इस ब्रिज को सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये टूटा हुआ था,
तो सारे वीडियो मैंने बना के डाले हुए हैं, पिछले पार्ट अगर आपने देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई देख सकते हो कैसे कैसे काम होता है इसमें। तो यह है वाइट वैली मैप। तो पिछली बार मैं आया था माउंटेन रिवर के अंदर और वहाँ से हिलियन अपनी गाड़ी को लेके आया था। चल भाई पैसिफिक छोड़ दे आज इसको बेटा, बहुत लंबा है भाई ये ट्रेलर, ऊंचा भी काफ़ी है, देखो यार इतना ऊंचा होगा भाई ये, भाई कम से कम 15-20 फुट ऊंचा होगा। और अभी तक डिफरेंशियल लॉक वगैरह ऑन नहीं किया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका डिफरेंशियल लॉक ऑन कर लेंगे। तो पैसिफिक 3016 के अंदर भाई सिर्फ डिफरेंशियल लॉक होता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बावजूद भी यार मतलब इसके अंदर फोर व्हील ड्राइव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यार इसका इंजन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये मेन रोड से लेके जाना है, कोई मड वगैरह तो है नहीं है, तो ये पहुंचा देगा आराम से। आ जा। और इसकी स्पीड भाई ये फुल स्पीड है चल रही है, ये मतलब इतनी स्पीड होती है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं, इतना मर्जी भगाओ इसको, इससे ज़्यादा नहीं चलता ये। तो बहुत ही दमदार इंजन होता है भाई इसका एकदम। ये क्या हुआ, एक भाई आगे से देखो यार, ये खंभे भी तो हैं, तो ये अगर खंभों में फंस गया तो भाई दिक्कत वाला काम हो जाएगा। आ जा। ओके आ जा इधर को। लो भाई पहुंच तो गए, बस मुझे लगता है थोड़ा सा दूर रह गया और निशान भी आने लगा, देखो ओह इसका भाई। तो यहाँ पे भाई दो कट आ चुके हैं, एक मिनट ज़रा रास्ता देखता हूँ किधर से शॉर्टकट पड़ेगा। तो एक तो है लेफ़्ट से ये घूम के गोल गोल सा रास्ता, और एक भाई राइट से सीधा अपने गैरेज के पीछे से जाना है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं भाई। ये कट बहुत शार्प है, यहाँ से कटेगी नहीं क्योंकि बहुत लंबी है ये, और यहाँ पर खंभे वगैरह बहुत सारे हैं। तो एक काम करेंगे इसको यार अपना आराम से ले चलेंगे अपने गैरेज के सामने से यहाँ से। चल निकाल दे ले आप बेटा, ले आ खींच के, शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया ट्रक है ये, तो ओरिजिनल है भाई, कोई मोड नहीं लगाया आज मैंने। तो मैंने अभी जो दूसरा लगाया ट्रक उससे करेंगे दूसरे मिशन, उसके पीछे मैंने लो सैडल लगा रखी है, मतलब छोटी वाली हिच। तो मड रनर के अंदर हिच बोलते हैं, और भाई इसके अंदर गेम में इन्होंने नया नाम दिया है इसको सैडल का। तो सैडल होती है काठी, जैसे घोड़े की काठी होती है ना सैडल, उसको काट बोला जाता है, लेकिन हिच ही बोलते हैं इसको, ये सैडल पता नहीं इन्होंने क्यों रख दिया नाम। और देखो यहाँ पर कई टास्क वगैरह भी पड़ी हैं यार, लेनी है भैया। और इस मैप में कई अपग्रेड भी हैं, वो अपग्रेड भी इकट्ठी करनी है, तो वो भी करेंगे जल्दी बाद में, लेकिन पहले इसको तो पहुँचाएँ जरा जहाज को। आ जा। ले काट इसको। ओ भाई खंबा आ गया, एक भाई खंबे में फंस जाएगा, तो खंबे से बचा के निकालना पड़ेगा यार इसको। और तू पलटने की कोशिश में क्यों है भाई, ये टेढ़ा हो जाता भाई, बर्फ़ है ना। लो भाई आ तो गए एयरपोर्ट पर, वो है भाई एयरपोर्ट। और देखो यार वहाँ पे एक जहाज़ खड़ा हो कितना बड़ा सा। और अब जाना है हमें राइट, काटो यहाँ से। भाई यहाँ पर भी खंबे लगा रखे हैं, अबे खंबे इतनी पास क्यों लगा रखे हैं, दूर दूर लगाओ यार सड़क से। ये देखो आ जा। आ गया, निकल गया भाई। तो बहुत लंबा है यार ये, काफ़ी लंबा है भाई ये। और अब जाना है हमें इधर को, फंस गया भाई बर्फ़ के अंदर। ये बर्फ़ में चल रहा है कोई बिना किसी प्रॉब्लम के, ना कोई डिफरेंशियल लॉक है ना AWD है, देखो। ओ यार एक मिनट, तो भाई यहाँ तो खंभा है, एक काम करते हैं शॉर्टकट मार लेते हैं यहाँ से। ओ फंस गया भाई अब तो ये, ओहो रुक, पीछे चल, पीछे। अब फंस गया भाई, तो बर्फ़ के ऊपर फंस रहा है इसको, एक काम करते हैं सड़क से लेके चलते हैं। एक मिनट खंभा बचा के, निकल गया। ले आ सीधा। जी भाई खींच दिया इसने यार, कहीं पर भी एक बार भी विंच नहीं लगानी पड़ी, देखो ले आया भाई ले आया। एक मिनट, यहाँ पर भी खंभे बहुत हैं, बिजली के खंभे हैं भाई। एक मिनट इसको निकालते हैं जरा ध्यान से, सीधा करके पहले जरा निकाल दो इसको। लो भाई देखो कहाँ से काटना पड़ा, चल। ओ भाई बर्फ़ के अंदर फंस गए तो, ओ भाई टेढ़ा कट गया, पीछे कर इसको। बस। भाई गेट बहुत ही छोटा है और ट्रेलर बहुत ही बड़ा है
गेट देख रहे हो कितना छोटा सा बना रखा है। और एयरपोर्ट की ये भाई दीवार है, ग्रिल है, यानी कि अगर इसको तोड़ दिया तो भाई एयरपोर्ट वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे डंडे लेके कि भाई हमारा एयरपोर्ट का नुकसान कर दिया। ले आ बेटा, ले आ इसको अंदर, ले आ पहले सीधा सीधा। एक मिनट, आ गया, ओके, लो भाई पहुंच गए। ये है भाई देखो जहाज मिलिट्री का, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का जहाज है भाई। ओके, तो इसको भाई पहुँचाना है यहाँ पर। एक सेकेंड, लो भाई, ओ भाई ये तो गायब हो गया। डिस्पोजल ऑफ ऑल द जंक, तो ये क्या करती है मशीन, तो ये जो जितना भी कूड़ा कचरा लगा है मतलब उसको साफ करती है। मच अप्रिशिएटेड बिटवीन यू एंड मी, आई एम लिटिल सैड टू सी ल्यूसेल लीव, बट आई गैस शी इज नीडेड एल्सवेयर, दैट्स व्हाट आई कॉल द प्लेटफॉर्म ल्यूसाइल, इट्स लोनली आउट हियर। तो इसके मिले भाई हमें 190 स्टार और $1,750, तो लगाते हैं इसको, लेते हैं इसको। यहाँ से क्या मिलता है भाई, एक मिनट, तो यहाँ से मिलेगा ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ओवरसाइज कार्गो भाई, चार चार पॉइंट के दोनों, और कंज्यूमेबल खाने पीने का सामान, बस तीन चीज़ें मिलेंगी भाई एयरपोर्ट से। तो ये पॉइंट पहले नहीं था, शायद अभी बना है, अभी आया है मतलब। तो चलो भाई इसका तो अब कोई काम नहीं है यार, इसको अब ले चलते हैं वापस रिकवर करके गैराज के अंदर, और लीव करते हैं गैराज को। और शाम हो गई भाई, दोपहर का टाइम था, और इसमें शाम बहुत जल्दी हो जाती है यार, मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही। तो अब देखते हैं भाई अगला मिशन कौन सा है, और उसके हिसाब से करेंगे फिर काम। तो इस जीआर एंटरप्राइज के जो मिशन है सारे, ये भाई लोग वाले मैंने चेक करे थे थोड़े से, तो अब इसके अंदर देने हैं भाई वैली पाइपलाइन बिल्डिंग और फ्रॉम वाटर, ये खुल गया भाई, एक दो मिशन खुल गए इसके, और इसके भी खुल चुके हैं एक और दो। नॉर्थ पोर्ट भाई, ये तो नॉर्थ पोर्ट का मैप, एक मिनट, इस मैप में कोई मिशन नहीं है क्या? ओ भाई पाइपलाइन फैसिलिटी, तो इसको ले लेते हैं यार, ये ऑन है। तो यहाँ पर पहुँचाना है भाई सामान, इतना सारा मेटल बीम, एक मेटल बीम, एक सर्विस स्पेयर पार्ट, एक मीडियम पाइप और वुडन प्लैंक, एक ओवर साइज कार्गो। ओ भाई, तो ये होता है चार पॉइंट का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट का माल देना भाई, और देखो अलग अलग जगह से देना। ओ भाई मेरे, तो इतना सारा मैं माल देना है, यहाँ पर पहुँचाना है। पाइपलाइन टूट गई है शायद यहाँ से, तो ये एक पाइपलाइन चलती है ना, जो इसमें से चारों मैप में एक पाइपलाइन चली आ रही है। तो मैंने पिछली बार माउंटेन रिवर पे पाइपलाइन रिपेयर करी थी, अगर आपने वो वीडियो देखा है, नहीं है तो देख सकते हो। तो ये मिशन बहुत बड़ा होने वाला है, नेक्स्ट मिशन करेंगे फिर अगली बार, इस बार तो बस मैंने ये छोड़ी है। तो अगली मिशन करेंगे भाई इससे अपना लॉन्ग डेरी हॉर्न के साथ, तो ये ओरिजिनल ट्रक है इस गेम का, तो अगली बार करेंगे इसके साथ काम। एक बार आपको दिखा देता हूँ इस ट्रक को भी, चेंज कर लेते हैं इसको। ये है भाई लॉन्ग डेरी हॉर्न, और इसका तेल का टैंक भाई अच्छा है 400 लीटर का, और इसके टायर वायर अच्छे हैं, ओरिजिनल हैं, और ये चेन वाले टायर हैं, और भाई 8 टायर का है देखो, और अच्छा लग रहा है देखने में ये, और अंदर से कुछ ऐसा है। तो चलो इसको करेंगे अगली बार, क्योंकि भाई इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसमें हमें 10 पॉइंट का माल पहुंचाना है, अलग अलग जगह से उठाना है उसको। तो मैं देखता हूं ये माल हमें कहां कहां से मिलेगा और कैसे करेंगे इस मिशन को। चलो दोस्तों ठीक है, ये था आज का गेम प्ले स्नो रनर का, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली बार इसी गेम के अंदर। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो और भाई एकदम मस्त रहो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।